एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो फाइनली आज वो दिन आखिरकार आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। और अगर आप लोगों ने भी मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो आप लोगों को भी ज़रूर इस दिन का इंतज़ार होगा मेरे साथ साथ। तो आज मैं फाइनली करने वाली हूँ अपने रूम का मेकओवर। तो आप देख सकते हो अभी मेरे पीछे सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है मेरा रूम, क्योंकि मैंने ना जो सारे कर्टन्स हैं वो उतार दिए हैं। और फाइनली आज मैं करूँगी अपना रूम का मेकओवर। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या आप लोगों ने कुछ नोटिस किया, यहाँ पे मेरा बेड हुआ करता था जो कि अभी यहाँ पे नहीं है, मैंने उठा दिया है। और यहाँ पे है मेरा बेड, मैंने ना सिंगल बेड यहाँ पे रख दिया, और जो इसका साथी है वो मैंने किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो कबाड़ा मच चुका है बहुत ज़्यादा, एंड पेंट भी हो चुका है। इस बार ना मैंने सफ़ेद कलर किया अपनी वॉल्स पे। तो चलिए अब ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ मैं, अब मैं फटाफट से सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हाँ सबसे पहले ना मैं खिड़कियों पर कर्टन्स लगाऊँगी। तो चलिए कर्टन्स लगाते हैं। तो इस बार का जो मेरा कर्टन्स का थीम है वो है ब्राउन कलर एंड बेज कलर। वैसे तो ब्राउन एंड वाइट था क्योंकि मैंने अपना रूम भी मतलब जैसे कि वुडन है तो ब्राउन है, और दीवारें मैंने सफ़ेद कर दिया, तो ब्राउन एंड वाइट मतलब मेरा थीम है इस बार का। तो इसलिए मैंने कर्टन्स भी उसी हिसाब से खरीदे थे। वैसे मेरे को वाइट चाहिए था बट वाइट मिला नहीं, इसलिए मैंने क्रीम कलर का ले लिया। तो अब मैं फटाफट से इन कर्टन्स को लगाती हूँ। ओह गॉड, मैंने इतनी मुश्किल से इस पर्दे को लगाया भाई, ये गिर गया था सच में। इनके वजह से हो रहा है क्योंकि ये देखने में अटक रही है। अब लगाते हैं दूसरे पर्दे। एक चीज दिखाऊं, मेरे साथ क्या हो गया, इतनी मुश्किल से गिरते पड़ते मैंने ये पर्दे लगाया और देखो उल्टे लग गए ये दोनों के दोनों। अब मेरे को रोना आ रहा है, इतनी मुश्किल से मैंने एक को टिकाया था। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट दो, और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। सच में मैंने बहुत मुश्किल से इनको टिकाया था, आपने देखा ही होगा ये मतलब की ये पाइप बार बार गिर जा रही गिर जा रही गिर जा रही, भाई क्या प्रॉब्लम है इसको, और अब ये उल्टे लग गए। हमें को इनको फिर से निकालना पड़ेगा, फिर सीधा करना पड़ेगा, फिर से लगाना पड़ेगा, और ये पाइप फिर से गिरेगी, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो अब ना मैं इसको सीधा करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो आखिरकार ये पर्दे लग गए, वो भी एकदम सीधे। और जब ना मैं बिना कैमरे के बना रही थी ना तो ये एक बार भी नहीं गिरा, पर जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो ये बार बार गिर जाता गिर जाता गिर जाता। तो अब मैं इन वाली खिड़कियों में भी कर्टन्स लगा लेती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने इस वाली के लिए ना उसकी जगह ये वाले लिए हैं, ऐसे नेट टाइप में जिससे आर पार दिखता है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे नेट वाले ही थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी नेट वाले ले लिए। तो मम्मी कह रहे थे कि तू यहाँ के लिए भी ये नेट वाले ही खरीद ले, बट मेरे को ना डर लगती है, ऐसा लगता है कि रात को अगर कोई बाहर से घूर रहा होगा तो, पर घूरेगा कौन यहाँ से तो देखने को भी नहीं, क्योंकि मेरा कमरा है फर्स्ट फ्लोर में तो यहाँ से तो कोई देख सकता है नहीं। बट फिर भी डर तो होती है ना, क्या करें, बहुत ज़्यादा डरती है मैं। तो अब मैं इस वाली खिड़कियों में कर्टन्स लगाती हूँ। फाइनली कर्टन लग चुके हैं। तो अब ना मैंने कर्टन्स अच्छे से लगा लिए, तो आप कमेंट्स में बताना कि आपको ये वाला कर्टन कैसे लगा। मुझे तो सबसे प्यारा यही वाला लग रहा है। और फिर यहाँ पे कुछ ऐसा वो वाला खुला है, तो अभी ना इन्हें खोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है, तो लाइट की तो बहुत सख्त ज़रूरत है इसलिए।
देखो आज मेरी खिड़कियों से बाहर का व्यू भी कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि 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 मैंने ना खिड़कियाँ साफ की है इसलिए, वरना हमेशा धुंधला दिखता था। तो इसके बाद ना मैं आप लोगों को एक बहुत ही खास चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मैंने अभी अभी बनाई है खुद से, ठीक है? देखिए 1 2 3 टडा, ये ना एक सोल तक है, ठीक है, लकड़ी का दिखाती हूँ, ऐसा है ये। तो मैंने ना इसके ऊपर ये जो कारपेट है ना ये एक्स्ट्रा बच गया था। तो हाँ, मैं तो आप लोगों को ये दिखाना भूल गई कि मैंने ना अपने रूम के लिए न्यू कारपेट खरीदे हैं, ऐसे ब्राउन कलर के, बहुत सॉफ्ट है ये और बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो इसका ना थोड़ा सा हिस्सा बच गया था तो उसको मैंने काट के इसके ऊपर लगा दिया, देखो। और इसको मैंने ग्लू गन की हेल्प से चिपका दिया है, ये पूरा चिपक चुका है इसमें, और यहाँ पर भी लगा दिया एंड यहाँ पे भी लगा दिया। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये पता है मैंने क्यों बनाया है, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। इसकी जगह है ये वाला कॉर्नर। तो अब ना मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इसको इतनी मेहनत करके क्यों बनाया है, आखिर क्या है इसकी वजह जो कि मैंने इसको बनाया। कितनी बकवास करती हूँ मैं, चलो बताती हूँ। इसके ऊपर आने वाला है मेरा मिरर। सो आर यू गाइज एक्साइटेड टू सी द मिरर? तो मैंने ना यहाँ के लिए एक शीशा खरीदा हुआ है, तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो शीशा कैसा दिखता है। यहाँ देखिए, इसको हटाने का है ऐसे। ओह, इसे तो मैं साफ करना ही भूल गई, अरे निकल जा। ये रहा मेरा शीशा, ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था ना तो इस वजह से मैंने ये बना लिया। इसके ऊपर टिका दूंगी इसको, पहले मैंने सोचा था कि ऐसे ही टिका दूंगी, बट फिर मैंने सोचा कि लकड़ी है ना तो कभी भी फिसल सकता है शीशा, तो टूट जाएगा गिर के, तो इसलिए इसकी अच्छे से ग्रिप बन जाएगी, तो मैंने ये बना दिया। तो चलिए अब इसके ऊपर हम इस मिरर को टिकाते हैं। तो हमारा मिरर भी सेट हो चुका है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये मिरर कैसा लगा, मुझे तो बहुत प्यारा लगा, क्योंकि ना इसका जो कलर है वो मेरे रूम से मैच हो रहा है, तो इसलिए ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। और ये भी ठीक लग रहा है यार, मतलब इसके साथ है ना, उतना भी बुरा नहीं लग रहा है। तो यार ये था मेरा मिरर का सेक्शन। तो इस कोने में होगा मेरा शीशा, आप देख सकते हो। तो ये वाली जगह तो डन हो चुकी है, पर मिरर अभी थोड़ा सा गंदा है, इसे मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। तो अब बारी आती है मेरे स्टडी सेक्शन की, जहाँ पे है मेरा टेबल। तो चलिए अब इसे हम सेट करते हैं अच्छे से। तो अभी टेबल पे बहुत सारा कबाड़ा मचा हुआ है, तो पहले मैं ना इन सबको उठा के साइड कर देती हूँ, देन उसके बाद हम इसे फिक्स करेंगे अच्छे से। और ये सारे जो मैंने बनाए हुए हैं ना स्टिकर्स, मतलब पेंटिंग्स एंड ऑल, जो भी कह लो इसे, ये सारी गिर गई है, अब इन्हें भी अच्छे से चिपकाना पड़ेगा मुझे। तो मेरा टेबल पूरा खाली हो चुका है, तो इसके ऊपर मैं बिछाने वाली हूँ ये वाला टेबल क्लॉथ। इसे मैंने ख़रीदा था पीपल मेले से सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में। तो चलिए अब इसे अच्छे से बिछा देते हैं इसके ऊपर। तो मेरा टेबल कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी ये अधूरा ही हुआ है। तो इसके बाद ना मेरे को यहाँ के जो स्टिकर्स है, स्टिकर पेंटिंग जो भी कह लो, इन्हें अब मुझे चिपकाना पड़ेगा फिर से अच्छे से। एक बहुत ज़्यादा फनी बात बताऊँ, मैंने ये जो सारी पेंटिंग्स बनाई हुई है, पता है मैंने कौन से कागज़ पे बनाई है? ये मिलता था ना अर्बैनिक के साथ, पहले पहले जो अर्बैनिक के साथ जो हम कपड़े खरीदते थे, तो उसके साथ एक ये मिलता था ऐसे कागज़ जो था, उसको काट काट के ना मैंने उनके ऊपर पेंटिंग बना ली है। ये सारी की सारी देखो देखो अर्बैनिक लिखा हुआ, इतनी वेल्यू हुआ करती थी मैं कभी कभी, पर अब तो टाइम नहीं लगता है। पहले पहले बहुत मज़ा आता था ये सब बनाने को, बट अब तो मैं कुछ भी नहीं बनाती।
तो मेरा टेबल वाला सेक्शन डन हो चुका है, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेंटिंग डाल दी है और यहाँ वाली जो पहले वाली थी वो हटा दी क्योंकि उसमें अच्छे से पेंट नहीं हुआ था, तो मैंने यहाँ पे ये वाली लगा दी। ये दोनों पेंटिंग्स ना इस वाली वॉल पे थी तो अब तो मैं इन्हें यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने इनको भी यहीं पर लगा दिया। एंड ये रहा मेरा टेबल और ये चेयर मैंने खरीदी है अपने रूम के लिए, इसे भी मैंने ब्राउन कलर में खरीदा है और मेरा मैट भी ब्राउन कलर का है, तो ये दोनों ना मैच मैच हो रहे हैं थोड़े से। तो ये है ब्राउन एंड वाइट, ये भी है ब्राउन एंड वाइट और मेरा रूम भी है ब्राउन एंड वाइट। तो ये है मेरे रूम की थीम। तो बताना कि ये वाला सेक्शन आपको कैसा लगा। ये अब हम यहाँ पे ये बिठाएंगे मैट्रेस, तो यहाँ पे सिटिंग के लिए हम एक एरिया बना लेंगे। तो यहाँ पे मेरा कोजी सा सेक्शन तैयार हो चुका है बैठने के लिए और ये काफ़ी सॉफ्ट है क्योंकि मैंने यहाँ पे ना एक तलाई बिछाई है और उसके नीचे एक मैट्रेस बिछाया है, दोनों बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है, तो मतलब यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छी सी जगह बन चुकी है। और इसके साथ में होगा मेरा मिरर एंड इस तरफ होगा मेरा स्टडी सेक्शन और मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया ताकि मेरी चेयर पीछे को आ सके इसलिए। तो बस ये वाला एरिया तो पूरा डन हो चुका है, देख लो। तो आपको ये एरिया कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों। तो गाइज अब ना मैं सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट शूट करने वाली हूँ और वो है ये वाली दीवार जो मेरे बेड के ऊपर है और इसे ना मुझे बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है क्योंकि यही होगा मेरा सबसे मेन जो पार्ट होगा, ठीक है, रूम का, तो वो यही होने वाला है मेन कैरेक्टर मेरे रूम का। तो मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना कि मतलब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने यहाँ के लिए क्या ख़रीदा है। तो मैंने एक और पार्सल मंगवाया हुआ था, ये है कुछ वॉल पोस्टर्स, तो ये है कुछ पोस्टर्स जो मैंने मंगवाए थे, तो अब मैं आपको इन्हें दिखाती हूँ, ठीक है। तो इसमें ना 54 पोस्टर्स आए हुए हैं और ये सब ना ब्राउन कलर के हैं, तो मतलब मुझे ना समझ नहीं आ रहा इन पोस्टर्स को मैं कैसे लगाऊँ, कहीं गलत लग गए तो बहुत ज़्यादा गंदे लग जाएंगे। और अगर एक बार मैंने इन्हें दीवार पर चिपका दिया तो उसके बाद तो मैं इन्हें निकाल भी नहीं पाऊँगी, वरना मेरी दीवार की ना चमड़ियाँ निकल जाएगी, मतलब पपड़ी निकल जाएगी दीवार की, वैसे निकल ही जाएगी यार, ऑब्वियसली निकल ही जाएगी, निकलती ही है। तो ये कुछ इस तरह से देखो, चढ़ा कुछ इस तरह से मैंने स्टिकर्स मंगवाए ब्राउन कलर के, सारे ब्राउन एंड वाइट। तो अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वैसे ना मैंने पिंटरेस्ट से देखे थे कि मतलब मैं कैसा करूँ, मैंने इतनी सारी फ़ोटोज़ देखी ना, फिर मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अब जो दिल कहता है वही करते हैं। तो अब मैं अपने दिल की बात सुनूंगी और हाँ एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, मैंने ना यहाँ पर ये वाली लाइट्स ऑलरेडी लगा दी है आप देख सकते हो, बट यहाँ पर थोड़ी सी रह गई है, इसे हम सबसे पहले हम इसे लगाएंगे, देन उसके बाद बाकी का काम होगा, तो चलिए इसे लगाते हैं। तो मैंने ना इस वायर को स्टिच करने के लिए ये वाली पिंस खरीदी है जो कि कुछ ऐसी दिखती है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये पिंस कुछ ऐसी दिखती है। तो यहाँ पे ना हथौड़े से मारना होता है तो ये लग जाती है, मेरे पास हथौड़ा नहीं है तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, इसको कहते हैं हमारी भाषा में बाइलू। मैंने लाइट्स लगा ही ली आखिरकार, देखो यहाँ से यहाँ को, यहाँ से नीचे को। तो अब शुरू होता है द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, तो उसके लिए ना मेरे को ये कुशन चाहिए होंगे, कुशन को मैं ऐसा रखूंगी क्योंकि इसके ऊपर से मुझे स्टिकर्स को लगाना है। तो अब मैं देखती हूँ कि मैं किस तरह से स्टिकर्स को लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये वाला स्टिकर लगाऊंगी, नो बैड वाइब्स। Thank you.
तो गाइज अभी शाम हो चुकी है और वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही है, अब थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, तो मैं इस व्लॉग को अब कल कंटिन्यू करूँगी, तो इसे हम यहीं पे छोड़ रहे हैं आज, कल मिलते हैं अब। तो दोस्तों आज है दूसरा दिन और मैं आज फिर से करने वाली हूँ अपने रूम का मेकओवर, क्योंकि कल ना शाम हो गई थी तो लाइटिंग उतनी अच्छे से आ नहीं रही थी रूम में, तो इस वजह से ना मेरी वीडियो पूरी कंप्लीट हो नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा था कि अगले दिन मतलब आज मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने सोचा ना कि स्टिकर लगाने से पहले मैं यहाँ पे पेंटिंग्स लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर एक बार पेंटिंग्स लग जाएगी तो मेरे को मेजरमेंट्स का पता लग जाएगा कि कहाँ तक मेरे को ये स्टिकर्स लगाने, पोस्टर्स लगाने, जो भी है। तो इसलिए ना मैंने यहाँ पे किल ऑलरेडी ठोक के रख दिया है, ठोक के है सॉरी मैं ये मेरी मतलब टपोरी लैंग्वेज आ गई बीच में, तो मैंने यहाँ पे किल ऑलरेडी लगा दिया है, तो अब बस मेरे को सीधे सीधे इसमें पेंटिंग्स लगानी है। तो ये रही मेरी फर्स्ट पेंटिंग, तो मेरी पेंटिंग्स लग चुकी है एंड इसके बाद आता है ड्रीम कैचर, और इसके लिए भी मैंने यहाँ पे किल लगा ली ऑलरेडी, तो चलिए इसे भी टंगा देते हैं। अब हम लगाएंगे अपने पोस्टर्स। एक लाइट कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं फटाफट से बाकी की लाइन करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब टर्न है इस वाले वॉल की, और सबसे पहले ना मैं ये मिरर यहाँ पे लगा लूंगी, उसके बाद मुझे पता लगेगा कि किस हिसाब से इस वॉल पे पोस्टर्स लगेंगे। तो चलिए अब लगाते हैं हम अपना मिरर। हियर इज द मिरर, अब लगाते हैं पोस्टर्स। अब बारी आ चुकी है पत्ते लगाने की। तो फाइनली पत्ते भी लग चुके हैं, इसके बाद टाइम है लाइट्स लगाने का। मैंने ये फेरी लाइट्स खरीदी हुई है। लग चुकी है मेरी लाइट्स दोस्तों, अब देखते हैं कैसी लग रही है। तो दोस्तों अब बारी आती है इस वाले सेक्शन की। अभी मेरे पास कुछ अच्छा है नहीं इसके ऊपर रखने के लिए, मैंने कुछ खरीदा नहीं तो बस मैंने ये दोनों रख दिया है। अब बारी है बेड की और बेडशीट बिछाने की, और इसे भी कवर करना है मुझे। मतलब पत्ते ना बहुत सारे बच गए हैं, तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं इन्हें लगा ही देती हूँ, है ना, वरना वेस्ट हो जाएंगे फालतू में। अभी भी इतने सारे बच गए हैं, देखो
चलो इन्हें यहाँ पे लगाते हैं। लास्ट पार्ट की टर्न आ चुकी है, अब मैं अपने बेड पे ये बेडशीट बिछाने वाली हूँ। तो फाइनली कड़ी मेहनत के बाद मैंने बेडशीट बिछाई दी। तो इसके बाद आने वाली है एक बहुत ही प्यारी सी चीज, एंड मुझे लगता है कि आप लोगों को भी वो चीज जरूर पसंद आएगी, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब ना मैं फटाफट से ये सारा जो भी कवाड़ा मचा है यहाँ पे इसको समेटती हूँ, एंड देन उसके बाद दूंगी आप लोगों को अपना रूम टूर। लोग कमेंट्स में मुझे बताना कि आप लोगों का फेवरेट पार्ट कौन सा था इस रूम का। और मेरा फेवरेट पार्ट तो यही है, क्योंकि मैं यहीं पे सोऊंगी, और ये भी बहुत अच्छी जगह, एकदम कोजी कोजी सा बैठने के लिए। तो अब ना मैं आपको नाइट का व्यू दिखाती हूँ कि ये नाइट में कैसा लगेगा। सो एडिटर लाइट्स ऑफ। तो दोस्तों अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने में मज़ा आया होगा और आप लोगों को मेरा रूम पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों का फेवरेट पार्ट कौन सा है, एंड अगर आप लोगों को भी इन सब चीज़ों के जो जो चीज़ें मैंने खरीदी हैं इनके लिंक्स चाहिए, तो आप मेरी पुरानी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने इन सब चीज़ों की अनबॉक्सिंग की थी, तो उसी में मैंने लिंक्स भी दिए हुए हैं। तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए, एंड आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।